नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे कुलदीप पोखरणा से और जानेंगे इनके जीवन से जुड़े अनुभवों के बारे में। दोस्तों, इनकी ये कहानी संघर्षों को पार कर कड़ी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करने की कहानी है जो आज देश के कई युवाओं को प्रेरित करेंगी। जी हाँ, ऐसे युवा जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आज इनके अनुभवों से एक नई सीख, एक नई प्रेरणा अवश्य मिलेगी। तो इससे पहले कि हम उनसे मुखातिब हों, आइए एक नजर डालते हैं इनके अब तक के सफर पर। आपको बता दें, ये मूल रूप से उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर तहसील के निकट एक छोटे से गाँव खेरोदा के रहने वाले हैं और बीते 8-9 सालों से ये उदयपुर शहर में ही निवास कर रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान में ये कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं। जी हाँ, अहमदाबाद से अलग अलग डिजाइन्स की शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये उन्हें उदयपुर में सेल करते हैं। इनके पास मेंस वेयर के साथ ही स्पोर्ट्स वेयर का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। इनके वर्तमान में उदयपुर, भिंडर और खेरोदा में 3 रिटेल आउटलेट है। सफलता का ये मुकाम हासिल करने वाले कुलदीप पोखरणा ने अपने करियर की शुरुआत गांव में एक छोटे से बिजनेस से की थी, जहां ये बाइक पर दूर दराज गांव में जाकर माल की सप्लाई दिया करते थे और कुछ ही समय बाद ये गांव से शहर आ गए और यहां बहुत ही कम पूंजी के साथ अपना व्यापार प्रारंभ किया। धीरे धीरे अपने कपड़ों के बिजनेस को ये आगे बढ़ाते गए और आज स्थिति ये है दोस्तों कि ये अपने इस व्यापार में काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इन्होंने ये मुकाम हासिल करने के लिए जीवन में हर तरह की मुश्किल दौर का सामना किया और उस वक्त इनके परिवार वालों का और इनकी पत्नी का इन्हें अच्छा समर्थन भी मिला। उन्हीं के सपोर्ट से ये आगे बढ़े और सफलता का ये मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी कुलदीप पोखरणा की जिंदगी से जुड़ी जो हमने आपके साथ साझा की। अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम कुलदीप पोखरणा है जैन, मैं प्रॉपर खेरोदा से हूँ। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है। मैंने मेरे बिजनेस की शुरुआत वहाँ से की है, खेरोदा से की है। उसके 8-9 साल बाद मैं उदयपुर शिफ्टिंग हुई थी। वहाँ मैंने पर्टिकुलर एक छोटी सी शॉप से लेके काम चालू किया था, मतलब समथिंग 100-150 पीस रोज का बेचता था। बाइक से टूरिंग चालू की थी मैंने। वहाँ से स्टार्ट करके मैं आसपास के गांवों में सप्लाई करता था। उसके बाद मेरे को ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होने लगी थी, तो फिर मैं उदयपुर शिफ्टिंग हुई। 8-9 साल पहले मैं उदयपुर आ चुका था। उसके बाद मैंने मेरे बेस पे बाइक लेके फिर वैन से टूरिंग स्टार्ट की थी। टूरिंग स्टार्ट करने के बाद वैन से मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मार्केट में काफ़ी दौड़ भाग की थी। सुबह 6 बजे निकल जाता था, 9 बजे तक पूरे दिन मार्केट में घूमता रहता था। मैंने मेरी शुरुआत 11,000 रुपये से स्टार्टिंग की हुई है मैंने मेरी लाइफ की। उसके बाद मैंने मेरी खुद की स्विफ्ट डिजायर खरीदी। उसके बाद मैंने उससे मेरा बिजनेस अच्छा खासा बढ़ गया। उसके बाद यही ऑन रोड पे सुंदरवास मैंने अपनी खुद की शॉप खरीद ली थी और उसके बाद धीरे धीरे अर्निंग करके मैंने मेरी आज उदयपुर में पर्टिकुलर मैंने अच्छा मेरे प्रोडक्शन का काम चालू कर दिया। जिस टाइम में शुरुआत में 100 पीस बेचता था, आज मेरे महीने की 10,000 पीस शर्टों की सेल है, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। मेरी फैमिली ने और उसके बाद मेरी खुद की लव मेरी से मेरी वाइफ ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, कभी भी की अकेला नहीं होने दिया और हर बिजनेस में हर तरीके से साथ दिया, तभी जाके मैं आज इस लेवल पर पहुँचा हूँ मैं। और पर्टिकुलर मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि किसी भी काम में रेगुलर लगा लेना चाहिए, जिससे ही उपलब्धि होती है। साल 6 महीने में कोई रिजल्ट नहीं मिलता है अगर अपन उस काम में रेगुलर लगे रहते हैं। मैंने 4 साल तो ऐसे बिताए कि जिससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, लेकिन आज के टाइम में मेरे को इस बिजनेस से हर चीज़ मिली है। मेरा खुद का शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, अहमदाबाद में मेरी शर्टें बनती है। आज एवरेज 10-12,000 पीस महीने का बेचता हूँ मैं। और इस मुकाम के लिए मैंने काफ़ी संघर्ष किया है। शुरू के 3-4 साल बहुत ज़बरदस्त संघर्ष था मेरे लिए। और मैंने स्टार्टिंग बाइक से की हुई है, तो दिन के 150-200 किलोमीटर बाइक पे घूम घूम के गाँव में माल बेचता था। आज एक अच्छे लेवल पे हूँ और अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छी सोसाइटी में बैठना उठना है मेरा,
और कोई भी बंदा ऐसा हो जो संघर्ष करके मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मैं खुद संघर्ष करके उठा हूँ तो मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरा मेंस वेयर का पूरा काम है, स्टार्टिंग मेरी शर्ट से हुई थी, लेकिन आज की डेट में मेरे पास मेंस वेयर का टोटल प्रोडक्ट है और मेंस वेयर संबंधी कुछ भी चीज़ है मेरे, मतलब कुछ भी है वो सब मेरे पास अवेलेबल, हर चीज़ है। और उसके बाद मेरे खुद के 3 रिटेल आउटलेट भी है, एक उदयपुर में, एक मेरे गाँव खेरोदा में और एक भिंडर भी है, मेरा खुद के 3 रिटेल आउटलेट है। और उसके बाद आज से अभी आज की डेट में मेरे पास 100 से 200 कस्टमर जिनकी शॉप है उन पर वहाँ मेरा माल जाता है रेगुलर, और 3-4 शर्टों की ब्रांड भी है मेरे पास जो पर्टिकुलर हम कपड़ा पसंद करके वो साइज़ वाइज बनवाते हैं। और स्पोर्ट्स वेयर में मेरा अच्छा काम है, क्रिकेट के, हॉकी के, ऑल ओवर टी शर्ट्स की प्रिंटिंग वगैरह, टूर्नामेंट के ऑर्डर पूरे लेते हैं। मेरा बचपन खेरोदा में बीता है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर तहसील में एक छोटा सा गाँव है खेरोदा, वहाँ से मेरा बचपन बीता है और मेरी स्कूलिंग भी वहाँ से हुई है, और उसके बाद 12th मेरी भिंडर से हुई है, कॉलेज मेरा उदयपुर से हुआ है। बचपन में तो क्या पढ़े तो की नहीं है, लेकिन पढ़े नहीं किए तो फिर बाद में बिजनेस की लाइन में घुस गए थे, बिजनेस से ही आज जो भी हासिल किया बिजनेस से ही किया। बचपन में एक बार CA का भी ट्राई किया था लेकिन CA पूरी नहीं कर पाया, उसके बाद बिजनेस में घुस गया था। मैं BCOM करता था तभी मैंने साथ में मेरा बिजनेस चालू कर दिया था, आज मेरे को 8 से 9 साल हो गए बिजनेस करते हुए। मेरा सर सक्सेस का मंत्र यही है कि बहुत जने लोग क्या करते हैं कि 3 महीने कुछ काम करते हैं और उसके बाद वो काम वापस बंद करते हैं, उसको अर्न नहीं होता है तो वापस उस जो सेटअप के लिए वो पैसा वेस्ट करते ना, उसके बाद वापस नए सिरे से कुछ करना चाहते। लेकिन मेरा एक ही मंत्र है कि किसी भी बिजनेस में आपको टाइम बिताना पड़ता है, आप 2 या 3 साल नहीं बिताते हो तो आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि 2 महीने बिजनेस किया नहीं चल रहा है, उसको लाइन चेंज करने की कोशिश करते हैं, 5-6 लाख का बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। स्टार्टिंग से आपको 2-3 साल उसको टाइम देना पड़ेगा, जब तक लोग आपको पहचानेंगे नहीं कि लोग ये बिजनेस ये करता है बनना, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे तो ही बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, बाकी इस बिजनेस में आपको हैंड टू हैंड कभी रिजल्ट नहीं मिलता है। एक्चुअली ये बिजनेस के टाइम देने के साथ आपको ईमानदारी भी पूरी रखनी पड़ती है, कस्टमर को पहचानना पड़ता है, कौन सा कस्टमर किस लेवल पे आपसे डील कर रहा है उसको भी पहचानने की गर्स की बहुत ज़रूरत होती है, मतलब समझदारी आपकी पूरी चाहिए होती है परचेस के टाइम, सेल के टाइम, मैनेजमेंट के टाइम। उसके बाद बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, आपको हर एक चीज़ का छोटे से छोटा हिसाब रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले से कितना मांगते हैं वो बोल रहा है, जितना आप पैसा मांगते हो तो वो कभी होता नहीं, हिसाब आपका होना चाहिए कि आप उससे कितना मांगते हो, ये मेन चीज़ होती है। इसमें ईमानदारी से काम चलना लाइफ टाइम के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे आपकी गुडविल अच्छी रहती है मार्केट में। मेरे रोल मॉडल सबसे बेटर मेरे दादाजी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक बार बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैंने बिजनेस चालू किया था तो उन्होंने मेरे को कुछ पैसे देते थे मेरे को उधार बिजनेस के लिए, उन्होंने शाम को मेरे से पैसे मांग लेते कि भाई पैसे कहाँ है, तो मैंने बोला कि आपको पैसों की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला कि आज मैं तेरे पैसे नहीं मांगूंगा ना तो तू कल मेरे को नहीं देगा। आज ही वो मेरा टिप्स काम आएगी, उन्होंने मेरे को उस दिन पैसे मांगे तो मेरे को बुरा लगा कि यार दादाजी पैसे क्यों मांग रहे, पर लेकिन आज जिसके भी पैसे बाकी होते हैं तो मैं सबसे पहले उसका हिसाब क्लियर करता हूँ और उससे मेरी क्रेडिट मार्केट बनी रहती है। तो मेरा रोल मॉडल सबसे बेटर वो ही है, उसके बाद मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ, वो भी हमेशा मेरे को बचत के लिए बोलते हैं, पापा मम्मी भी हमेशा यही बोलते हैं कि बचत के लिए। और उसके बाद शादी के बाद वाइफ ने, शादी से पहले और शादी के बाद भी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, हर समय बचत के लिए कहती थी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है अपने को, मतलब हर चीज़ सोच समझ के कहती थी ये मेरी लाइफ के लिए। उसके बाद मेरे भाइयों ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया हुआ, तो ये मेरी फैमिली मेरे लिए पूरी आइडल है और मेरे दादाजी मेरे लिए बहुत बेस्ट है। मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट जब मैं संघर्ष कर रहा था तो मैं सबसे पहले यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक भगवान का स्थान है नाकोड़ा भैरव देव का मेवा नगर, मैं जब से वहाँ चालू किया है मेरे लिए लाइफ में यूँ सोच लो उन्होंने मेरे को जो चीज़ दी है ना वो लाइफ में एक मतलब भगवान के ऊपर जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। उन्होंने मेरी हर एक मुराद पूरी की, मैंने जो मांगा है उनसे उन्होंने हमेशा मेरे को दिया है, और मेरे लिए उन्हीं के सॉन्ग और उन्हीं के लिए जीवन भर समर्पण है कि मैं जब तक जीता रहूँ मैं उनके लिए भक्ति करता रहूँ। और मेरा एक नियम भी है कि मैं हर महीने में हर पूनम को मैं नाकोड़ा जी रहता हूँ, मेरा एक नियम है लाइफ का।
स्टार्टिंग में सर मैंने जब 11,000 रुपये से काम चालू किया था, तब मेरे पास इतना माल नहीं था कि मैं इतना इतना लंबा जा सकूँ। तो मेरी घर के बाहर एक शॉप थी जहाँ मैं सुबह शाम तो उस शॉप पे बैठता था और आसपास के सर्कल को बोलता रहता था कि मैं शर्ट का काम करता हूँ। उसके बाद वो शर्टें बाइक पे लेके मैं पूरे दिन मार्केट में घूमता रहता था। उस टाइम काफ़ी स्ट्रगल थी, उस टाइम पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे और मतलब 11,000 से काम चालू करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उस टाइम कुछ लोगों ने मेरे को दिन के जैसे कोई कहते ना कि पीस देते थे मेरे को कि भाई 100 पीस ले जा तू दिन को, जितना बेच पाए उतना बेच लेना, उसका प्रॉफिट तेरे को रहेगा और वापस जो नहीं बिके वो वापस ला के देना। ऐसे काफ़ी लोगों ने मेरे को उस टाइम मेरी ईमानदारी देख के मेरे को सपोर्ट किया था। उस टाइम मेरा वो प्राइम मेरा काफ़ी स्ट्रगल रहा था। मैंने ऐसे स्ट्रगल कर कर की बाइक से फिर वैन ली थी, तब मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ था। जब मेरी मार्केट में गुडविल जम गई थी, लोग बाग मेरे को क्रेडिट में माल देना चालू कर दिया था। उसके बाद मैं टाइम से मेरे दादाजी की बात याद रख के हमेशा टाइम से लोगों का पेमेंट देता था, जिससे आज वो गुडविल काम हो रही है। आज मेरी मार्केट में 1 CR के आसपास क्रेडिट होगी और मेरा सालाना टर्नओवर 2 करोड़ के आसपास होगा। जो स्ट्रगल के बाद मैं अगर 3 साल शुरू के 3 साल में अगर थक के बैठ जाता था तो आज मैं मेरी लाइफ में इस लेवल पे नहीं होता। इसीलिए क्या मैं सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में किसी भी चीज़ को रिजल्ट 2-3 महीने में नहीं आता, उसके लिए आपको काफ़ी टाइम बिताना पड़ता है। हमारे फील्ड का सर काम ऐसा है कि मतलब आज के दौर के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा गारमेंट्स का काम है तो हमेशा वेराइटी के साथ चलना पड़ता है। आप कितने भी करोड़ का स्टॉक भर लो, सामने वालों को कम ही लगता है कि भैया नया कब आएगा। ये सिर्फ अपनी काबिलियत के ऊपर ही अपने को टाइम बिताना पड़ता है, कस्टमर को गाइड करनी पड़ती है और सबसे बड़ी चीज़ क्या, हमारे बिजनेस में बोलना पड़ता है। जितना कस्टमर को गाइड करते हैं कि भैया ये आपको अच्छा सेटअप लगेगा, ये ड्रेस आपको अच्छी लगेगी, ये कपड़े आपकी शॉप पे अच्छे चलेंगे, तो ही बंदा कर पाता है। साइलेंट बंदा, बिना व्यवहार कुशल शर्मिला लड़का इस बिजनेस में काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरी यही राय है कि जैसे मैं हर बार यही बात बोल रहा हूँ कि हर बिजनेस को टाइम बिताना पड़ता है, इसमें भी टाइम बिताने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के लिए आपको इस बिजनेस में टाइम बिताना पड़ेगा और फैशन के साथ चलना पड़ेगा। मेरे काम के अलावा काफ़ी मैं सोसाइटी वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ, रक्तदान वगैरह हो गया है, जैसे नॉर्मली लोगों की हेल्प करनी है, मैं हमेशा उसके लिए खड़ा रहता हूँ। काफ़ी मंडल से जुड़ा हुआ हूँ, समाज के काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जिनसे छोटा सा भी कुछ काम होता है तो मैं उनके लिए पूरा दिन वेस्ट कर सकता हूँ, जिससे कि कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जिनसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं या वो टाइम बिता रहे हैं तो उनको कुछ सहयोग कर सके। तो इन संस्थाओं से जुड़ने से काफ़ी लोगों से नए लोगों से जुड़ना भी होता है, उसके बाद उनकी हेल्प भी हो सकती है और अच्छे लोगों के साथ रहने से थोड़ा अच्छा माइंड भी फ्रेश रहता है कि सोच अच्छी बनती है, सोच बड़ी बनती है कि अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं तो अपन भी कुछ अच्छा बने। वो चीज़ सर एजुकेशन भी ज़रूरी है, एजुकेशन से व्यक्ति समझदार बनता है, लेकिन बिजनेस व्यवहारिकता से ही चलता है। एजुकेशन के लोग बिल्कुल अलग होते हैं, बिजनेस के लोग बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी काफ़ी लोग हैं जो एजुकेशन से भी जुड़े होते हैं। और मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि एजुकेशन से जो बड़ी पोस्ट के लोग होते हैं, हो सकता है वो इतने मिलनसार नहीं हो जितने एक बिजनेस क्लास जो आदमी होता है वो मिलनसार होता है। एजुकेशन फील्ड तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जब व्यक्ति को आगे कुछ अगर मैनेज करना है, मैनेजमेंट चाहिए बिजनेस का, तो एजुकेशन से ही आएगा। लेकिन मैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंस बिजनेस को देता हूँ कि जिससे व्यक्ति हर चीज़ को हासिल कर सकता है। एजुकेशन से तो एक लिमिटेशन हो जाती है, हो सकता है वो अच्छे पोज पे चला जाए तो बात अलग है, अगर उससे अच्छे पोज पे नहीं जावे तो फिर बिजनेस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है पर स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। सर अगर टाइम मशीन हो मेरे पास तो मैं मेरे बचपन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये स्थिति है कि दिन को सोने के लिए भी फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। और जब बचपन था तो शायद न कोई कहने वाला था, पूरे दिन खेलते रहो कूदते रहो। जब लाइफ में 2 साल कोरोना आया था तो हो सकता है लोगों के लिए काफ़ी बुरा रहा, लेकिन मेरे लिए इतना अच्छा रहा कि शायद सुबह का खाना 9 बजे खा लेते थे, 1-1.5 बजे सो जाते थे आराम से, शाम का खाना 5 बजे खा के गाँव के खेतों में चले जाते थे। तो हो सकता है कि मैं तो सरकार को भी ऐसा बोलना चाहता हूँ कि शायद महीने के 4 दिन ऐसे कर दे जो बिल्कुल सब कुछ बंद हो गए और मतलब बिल्कुल ऐसे टाइप से फ्री हो जाए कि बिल्कुल बचपन में चला जाए कोई भी बंदा। मेरी शॉप का नाम नाकोड़ा हुजरी सुंदरवास है, मेन रोड पे ही शॉप है मेरी। और उसके बाद क्या है कि मैंने मेरी लाइफ में अभी तक 60 से 70 नई शॉप का ओपनिंग कराया हुआ है
और कोई भी कुछ भी शॉप रेडीमेड की लगाना चाहता है तो मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ। इतना है कि मैं जो माल दूँ नहीं भी बिके ना तो मैं वापस ले सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस से मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूँ। आराम से 1-2 लाख रुपए से वो अपना काम चालू कर सकता है और एवरेज 30-35 हज़ार रुपये महीने का कमा सकता है अगर वो ढंग से चले, मतलब बिल्कुल तरीके से चले, और जिसका पैसा है उसको वापस दे, पैसे की बचत करें तो अच्छे लेवल पे बिजनेस कर सकता है। और रेडीमेड गारमेंट से कुछ भी कभी भी कुछ भी बात हो वो मेरे से राय ले सकता है, चाहे माल ले या नहीं ले। मैं उसको, क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल करके बिजनेस बनाया, मैं उसकी अपनी गाइडलाइन करके मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। सर आपकी मुहिम से मेरे को बहुत अच्छी लगी, हो सकता है कि हमारी कब स्टोरी बनती, लेकिन क्या हो ओ, कोई सीरियसली बंदा अगर स्टोरी को सुन ले और उससे अगर कुछ सीख जावे और वो अपने जीवन में उतार ले तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी अच्छा हो जावे। ये थी मेरी कहानी, आप ऐसी कहानी सुनने के लिए वर्क को फॉलो करें। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सुन रहे थे कुलदीप पोखरणा की जिंदगी की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद जय भारत।